यानी कि मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करना शुरू कर दिए। ऐसे शून्यता की पराकाष्ठा है, ऐसे शून्यता, ये घृणा की पराकाष्ठा है, क्योंकि अहंकार का स्तर इतना बड़ा है कि हम तो इन युवराजों को खासतौर से गलतफहमी है कि जब पैदा हुए थे तो सर्टिफिकेट लेकर पैदा हुए थे कि जब तक रहेंगे तब तक हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, इस देश का गरीब आदमी कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। ये अहंकार है लोगों और इसलिए गुमराह करने का काम करते हैं। जब विकास पर ये बहस नहीं कर सकते हम तो चुनौती देते हैं लोगों को, क्या आइए हमारे साथ विकास पर बहस करिए, आप लोगों ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम चुनौती देते हैं लोगों। मैं थोड़े से उदाहरण आपके सामने रखूं, ये लोग प्रतिवर्ष 18,000 मजदूरों को उर्जीकृत करते और बीजेपी की सरकार ने एक साल के अंदर 72,000 मजदूरों को उर्जीकृत किया है, कहां 18,000 कहां 72,000। ये लोग 6.5 लाख कनेक्शन देते थे प्रतिवर्ष, हमारी सरकार ने 48 लाख कनेक्शन दिए, कितना फर्क है, सरकार कोई भेदभाव नहीं। हमने जो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों के नाम पर जाता तो था लेकिन गरीबों को मिलता नहीं था, हमने उसको आरटीजीएस के माध्यम से, चाहे गैस की सब्सिडी है उसको हम आरटीजीएस के माध्यम से दे रहे, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो पात्र लोग हैं हमारी सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि जो पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, कहीं भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो नल लगे हैं इनका दौरा कर लो, हाँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ, थोड़ा जो जवाब है ना वो दूसरे तरीके का है, ठीक है, जाके देख लेना। और दूसरा ये जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में हमको शिकायत मिली है कि जो कोटेदार हैं वो कुछ फर्जी कार्ड बना के रखते हैं, अब वो शिकायत में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या है क्या आपूर्ति कहाँ है, सबको मिल रहा है राशन यहाँ, भाई पीछे गांव के लोग बताओ राशन सबको मिल रहा है ठीक से। तो जो पात्र लोग हैं उन सबको राशन ठीक से मिले और जो पात्रता के मानक नहीं पूरे करते हैं उनको भी दे रखा है, उनको चेक कर लो। नहीं सर हमने जांच कराई उस तरह, ये अपना राशन कार्ड आवास आवास को वेरीफाई कर लो, ठीक है, जो पात्र है, राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, यहाँ सर 27 लोग थे तो उनको दिया गया, जो पात्र भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरा भेदभाव हुआ है सर, इसमें इतना भेदभाव हुआ है, एक जगह पे बैठ के एडीओ एजी ने एक जगह पे अपने बयान दिए और इन्होंने कहा कि एक जगह पे बैठ के हमने सारे सर्वे कर लिए जो गलत है और अपात्र पात्र और पात्र को अपात्र कर दिया गया, इसमें टोटल राजनीति हुई, एक घर में 4-4 लोगों को दिया गया है, जो पात्र हैं ऐसे 10-4 पात्र हैं उनको सूची में शामिल नहीं किया गया है, ऐसे सभी नाम आप और डीएम को कल मिलो, ठीक है, ठीक है। और आपको लगता है कि कहीं और कोई भेदभाव हो रहा है उसकी भी सूची बनाओ, राशन में कहीं भेदभाव है उसकी सूची बनाओ, शौचालय में कहीं भेदभाव है उसकी सूची बनाओ, एक कॉपी हमको व्हाट्सएप करो, एक डीएम को करो, ठीक है, जैसे बताओ एक काम बताओ, क्या बहुत से काम करे, एक बताओ ना, हमारे से थोड़ी होता है, रोड से काम करे, रोड नहीं बनता, जैसे आवास मिला वो भी उसमें सब व्यवस्थित काम करे, आवास पता किसने दिया आपको, हमारे हमारे घर बना हुआ है, हाँ तो मोदी जी ने दिया है, मोदी दिए वो तो अब मालूम है, हाँ मोदी जी भी दिए वो ठीक है, बहुत बढ़िया काम करे, जो हमारे गांव में रोड बना, रास्ता बना, नाली बना, कुछ काम बाकी है, तो प्रधान जी से सवाल यही होता है कि भाई इसका निकाल कर, बहुत अच्छा, हाँ बहुत।
एक कीमतों में जो उछाल आया है जबरदस्त, जो बढ़ोतरी हुई दाम में, इसको लेकर के भारत बंद का आह्वान किया है। आप लोग जब विपक्ष में थे तो कांग्रेस को पूछते थे कि कांग्रेस बढ़ा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और फिर भी एकदम जनता को प्रसन्न कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कांग्रेस एक षड्यंत्र है, कांग्रेस एक अराजकता है, कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कांग्रेस कुशासन है, करप्शन कमीशन कुशासन, ये कांग्रेस के नाम है। कांग्रेस ने इस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया, गरीब के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और हमारी सरकार गरीब के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है। और हमारा भारत विश्वगुरु कैसे बने, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस हमसे सवाल करने से पहले ये बताए कि विदेशी धरती पर कांग्रेस भारत की आलोचना क्यों कर रही है? कांग्रेस ये बताए कि भारत मेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों का समर्थन क्यों करती है? कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करती है जो हमारे CRPF के जवानों को निशाना बनाते हैं और बम से उनको उड़ाने का काम करते हैं। ऐसे नक्सलवादियों की बात करूँगा, नक्सलवादियों का समर्थन कांग्रेस क्यों करती है? जब पाकिस्तान में जाकर हमारे जावाज सिपाही सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है? डोकलाम में हमारे चीनी सैनिकों को हमारे सैनिक खरीदते हैं और उनके नेता राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ गलबियाँ डालते हैं, क्यों? देश बड़ा है कि कांग्रेस बड़ी है? और जहाँ तक ये पेट्रोल दाम की कांग्रेस बात कर रही है, जो भी पैसा है वो गरीब के उत्थान के लिए है। आज आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख रहे हैं, आप आज प्रधानमंत्री सड़क देख रहे हैं, आज आप हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प है, स्वच्छ भारत अभियान है, हर गांव को सड़क से जुड़ने का हमारा संकल्प है, हर घर को मीठा पानी कैसे पहुंचे, हर घर में रोशनी कैसे पहुंचे, हर घर में LPG का गैस का चूल्हा कैसे पहुंचे, ये देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बने। तो जो कर्ज कांग्रेस ही छोड़कर चले गए थे, उस कर्ज का भी भुगतान हमने किया है। जो बॉन्ड भरकर वो चले गए थे पेट्रोल कीमतों पर, हम देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं, गरीब के घर में खुशहाली आए, उन्नति आए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है इस देश की प्रगति को रोकने के लिए।